हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीड एंड लीड यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों विलोम शब्द यानी कि एंटोनियम्स। इसका मैं प्रैक्टिस सेट वन लेकर के हाजिर हूं आपके सामने। आज हम इसका प्रैक्टिस सेट वन करेंगे। आज के प्रैक्टिस सेट में लगभग 25 क्वेश्चंस होंगे और 25 क्वेश्चन आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम दोस्तों दो प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और उस दो प्रैक्टिस सेट्स में हमने बात करी थी शुद्ध वर्तनी के बारे में। ठीक है, हमने उसके दो प्रैक्टिस सेट कवर किए हैं शुद्ध वर्तनी के। जिसने भी अभी तक वो क्लास मेरी नहीं देखी है तो आप पहले जाकर के उन क्लासों को भी देख सकते हैं। ठीक है, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना दूसरा पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या है हमारा, विलोम शब्द यानी कि एंटोनियम्स। ठीक है, इससे हमारे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके भी प्रैक्टिस सेट हम दो करेंगे और उसमें 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वो 50 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में आने वाले होंगे। ठीक है दोस्तों, और जो मैं पहले करा चुका हूं आपको शुद्ध वर्तनी, वो भी आपके टॉप क्वेश्चंस थे जिनके आने की एसएससी जीडी में पूरी पूरी संभावनाएं हैं। हम यहां पर विलोम शब्द की बात करेंगे और ये वो विलोम शब्द हैं जो पिछली परीक्षाओं में आपसे पूछे जा चुके हैं एसएससी एग्जाम के अंदर। एसएससी एग्जाम के अंदर जिसमें मतलब हिंदी आती है या और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो हमारी यूपी के अंदर होते हैं, उन सभी से रिलेटेड जितने भी एंटोनियम्स यानी जितने विलोम शब्द बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई इसी के साथ में हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक बार आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप इस वीडियो को जल्दी से आप शेयर कर आ जाइए। एक बार सभी को वीडियो शेयर कर दें, उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, एक बार शेयर कर दें और मुझे बताएं। ठीक है कि आपको बिल्कुल क्लियर है, आवाज़ क्लियर है सभी को। ठीक है, एक बार आप यस करके भेजें, उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन लगाया जाएगा। आप देखिए एक क्वेश्चन के अंदर तीन क्वेश्चन होंगे और आप पहले से आप उसका आंसर देने की कोशिश करें। जल्दी से मुझे कमेंट में उसका उत्तर देते रहें। ठीक है कि पहले क्वेश्चन का मेरे कराने से पहले आप लोगों का उत्तर आना चाहिए। मैथ्स की क्लास आपकी 11:30 बजे हो रही है। ठीक है, तो 11:30 बजे आप मेरी डेली मैथ की क्लास अटेंड कर सकते हैं। चलिए भाई पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जल्दी से पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहले क्वेश्चन का विलोम शब्द क्या होगा, आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों विलोम शब्द का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द का मतलब होता है किसी भी शब्द का यानी कि किसी भी शब्द के अर्थ का उसका उल्टा अर्थ ही हमारा क्या कहलाता है, विलोम कहलाता है। क्लियर बात, यानी कि कोई शब्द है हमारे पास, जैसे हमने ले लिया रात, क्या लिया रात, रात का हम उल्टा कर देंगे तो रात का उल्टा क्या हो जाएगा, दिन। ठीक है, रात का मतलब क्या हो गया, उसका उल्टा कर दिया, क्या हो गया, दिन हो गया। विलोम शब्द का ही मतलब क्या होता है, किसी का उल्टा अर्थ देना, किसी का उल्टा अर्थ देना ही क्या कहलाता है, विलोम कहलाता है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं एंटोनियम्स। तो अब बताइए मुझे, पहला हमने क्वेश्चन पढ़ा आलोक का विलोम शब्द क्या होगा, आलोक का विलोम शब्द क्या होगा, आलोक का जल्दी से बताइए। ठीक है, अब देखिए आलोक में चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, अद्भुत, अज्ञात, अंधकार और रात्रि। जल्दी से बताइए मुझे आलोक का विलोम शब्द क्या होगा जल्दी से कमेंट में मुझे उत्तर बताइए, जल्दी से आलोक का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए देखिए आलोक का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आलोक का विलोम शब्द होगा अंधकार। क्या हो जाएगा, अंधकार। सभी के समझ में आ गया। ठीक है, आलोक का विलोम शब्द क्या होगा, अंधकार। अद्भुत नहीं होगा, अज्ञात नहीं होगा, रात्रि नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, अंधकार। क्लियर है बात सभी को। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर टू का आप जल्दी से कमेंट करते रहिए। आप क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री सभी के कमेंट करिए। आपको जितने उत्तर पता है आप उसका आंसर देने की खुद कोशिश करें। ठीक है, चलिए भाई पहला क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन यानी कि पहले का कौन सा था, सी, क्या था, अंधकार। आलोक का विलोम शब्द क्या होगा, अंधकार। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है, ज्येष्ठ का। पहला ऑप्शन दे रखा है कनिष्ठ, दूसरा दे रखा है पूर्व, और तीसरा दे रखा है भूत या अगज। जल्दी से बताइए ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा कौन सा होगा। तो भैया हमारा क्या हो जाता है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाता है, कनिष्ठ। क्या हो जाता है, कनिष्ठ। सभी के समझ में आ गया। ठीक है,
सभी के समझ में आया? चलिए आगे देखिए भाई, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करेंगे, 25 क्वेश्चन हमें करने हैं। एक बार सभी को वीडियो शेयर कर दें ताकि और बच्चे भी लाइव आ सकें। जल्दी से आप एक बार सभी को वीडियो शेयर कर दें, ठीक है। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप लोगों को ये भी मुझे कमेंट में आप जरूर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? सथावर का विलोम शब्द है, सथावर का विलोम शब्द है सचल, चंचल, चेतन या जंगम। सथावर का विलोम शब्द है, यानी कि तीसरे वाले का उत्तर दीजिए, जल्दी से तीसरे वाले का उत्तर दीजिए मुझे। सथावर का विलोम शब्द है, तो दोस्तों सथावर का विलोम शब्द हो जाएगा जंगम। क्या हो जाएगा? जंगम, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। सथावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? सथावर का विलोम शब्द हो जाएगा जंगम, ठीक है। सभी को क्लियर है कहां तक क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन नंबर 3 की हमने बात कर ली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 से लगा दीजिए जरा, क्वेश्चन नंबर 4 से लगा दीजिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आप उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? गमन का विलोम शब्द है गमन, जल्दी से। चलिए गमन का पहले अर्थ समझ लेते हैं दोस्तों। गमन का मतलब क्या होता है? गमन का मतलब होता है जाना, ठीक है, चले जाना। गमन, गमन यानी के चले जाना, आने का फिर क्या होगा भाई? गमन का मतलब हुआ जाना, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आना है तो आने का क्या हो जाएगा? आने का हो जाएगा आगमन। क्या हो जाएगा? आगमन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसका दोस्तों? सी, यानी के चौथे का कौन सा हो गया? सी, क्या चीज? आगमन। सभी के समझ में आ गया, ठीक है। क्या था? गमन, जाना, आगमन, आना, ठीक है। चलिए आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ में दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मौन का विलोम शब्द है मौन, ठीक है। अब आप जानते हैं कि मौन क्या होता है। मौन का मतलब है चुप रहना, ठीक है। मौन का मतलब होता है चुप रहना। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा मौन व्रत है। मौन व्रत का मतलब है यानी कि उनको चुप रहने के लिए उन्होंने एक व्रत रखा है, ठीक है, जिसमें वो बात नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? मौन व्रत, ठीक है। अब मौन का मतलब चुप रहना है, तो इसका विलोम शब्द क्या है? बोलना, ठीक है। अब उसे हम हिंदी में क्या कहेंगे जल्दी से? तो उसे कहेंगे हम दोस्तों मुखर। क्या कहेंगे? मुखर। मौन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिसे हम कहेंगे मुखर। क्या कहेंगे? मुखर। सभी के समझ में आ गया, मौन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? मुखर, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए सभी को क्लियर है, चलिए ठीक है। मौन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मुखर। चलिए ठीक है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 है कि रंगीन छपे शब्द के लिए उपर्युक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए, वे अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है, अभिज्ञ है, ठीक है। वे अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। अब इसका मतलब क्या है? वे अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है, यानी कि वे अपने विषय में बहुत कुछ जानता है, वे अपने विषय में सब कुछ जानता है। अब इसका अभिज्ञ का विलोम शब्द बता दीजिए, जो हमारा अंडरलाइन दे रखा है, रंगीन शब्द है हमारा अभिज्ञ, इसका विलोम शब्द बता दीजिए। तो दोस्तों इसका विलोम शब्द हो जाता है अनभिज्ञ। क्या हो जाता है? अनभिज्ञ, यानी कि अनभिज्ञ, ठीक है। अभी क्या था? अभिज्ञ था हमारा, क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ। सभी के समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन हुआ भाई? ये ऑप्शन नंबर हो गया सी। कौन सा हो गया? सी, छठे का क्या हो गया? अनभिज्ञ। सभी के समझ में आया? सभी के समझ में आ गया या नहीं जल्दी से बताइए। चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन, सभी के समझ में आया? क्वेश्चन नंबर सेवन का उत्तर दीजिए आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों? रंगीन छपे शब्द के लिए, किसके लिए? रंगीन छपे शब्द के लिए उपर्युक्त विलोम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये कह रहा है संपन्न व्यक्ति,
कि व्यथा नहीं जान सकता, संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता, इसके बीच में तो आपका रिक्त स्थान दे रखा है, उसके अंदर कौन सा शब्द आएगा जल्दी से बताइए, उसके अंदर कौन सा शब्द आएगा? तो ध्यान में रखिएगा, इसके अंदर आएगा संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता। क्या आ जाएगा? विपन्न। क्या आ जाएगा? विपन्न। ठीक है, सभी को क्लियर है बात? ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता, क्लियर है सभी को? चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ? क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, एक बार देखिए, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर आ जाएं सभी। ठीक है, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दीजिए और हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। जितनी भी क्लास की टाइमिंग वगैरह या क्लास से रिलेटेड जितनी भी आपकी न्यूज़ होती है सभी में आपको उसमें प्रोवाइड करा दी जाती है टेलीग्राम ग्रुप पर। तो जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और पीडीएफ वगैरह और वैकेंसी और भर्ती की जानकारी आपको सब टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को दे दी जाती है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? विस्तार का विलोम शब्द है, विस्तार का विलोम शब्द है, विस्तार। ठीक है, जल्दी से बताइए, विस्तार का मतलब होता है बहुत बड़ा, यानी कि फैला देना, विस्तार कर देना। इसका विलोम शब्द क्या होगा? लघु, छोटा, सूक्ष्म या संक्षेप, जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? 8 का, 8 का हो जाएगा हमारा दोस्तों संक्षेप। क्या हो जाएगा? संक्षेप। क्लियर है सभी को? ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? संक्षेप। ठीक है, विस्तार का क्या हो जाएगा? संक्षेप। सभी को क्लियर है? चलिए चलिए भाई, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर होगा आपके, उसको कह रहा है गरिमा का विलोम शब्द है, गरिमा। जल्दी से बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 का, गरिमा का विलोम शब्द है, क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर दीजिए आप लोग खुद, गरिमा का विलोम शब्द है गरिमा। जल्दी से, गरिमा का विलोम शब्द है, गरिमा का विलोम शब्द होता है दोस्तों लघिमा। क्या होता है? लघिमा। ठीक है, गरिमा का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? लघिमा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, 9 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, गरिमा का विलोम शब्द क्या होता है? लघिमा। क्या होता है? लघिमा। चलिए चलिए भाई, आगे देखिए, अब क्लियर हो गया नमा? क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 है मौखिक का विलोम शब्द है, किसका? मौखिक का। ठीक है, चलिए मौखिक का विलोम शब्द है, चलिए भाई लगा दीजिए जरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 से लगाइए, मौखिक का विलोम शब्द है। तो मौखिक का मतलब होता है कि मुंह जबानी किसी बात को कहना, ठीक है, या मुंह जबानी किसी, लिखकर नहीं किसी को मुंह जबानी कहना, ठीक है, मौखिक कहलाता है। और अगर इसी का हर उल्टा करें हम तो लिख करके बात देना, और लिखने को हम हिंदी में कहेंगे लिखित। क्या कहेंगे? लिखित। तो दोस्तों यहाँ पर मौखिक का विलोम शब्द हो जाएगा लिखित। क्या हो जाएगा? लिखित। ठीक है, दसवें का पहला हो जाएगा दोस्तों, 10 क्वेश्चन का हो जाएगा पहला, क्या हो जाएगा? लिखित। क्लियर है सभी को बात? ठीक है, मौखिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? लिखित। ठीक है, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ? क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसी के साथ में दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, अनाथ का विलोम शब्द क्या है? अनाथ का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों अनाथ का विलोम शब्द होता है सनाथ। ठीक है, अनाथ का विलोम शब्द होता है सनाथ। अनाथ का मतलब जिसके माता पिता मर चुके हों, ठीक है, और सनाथ का मतलब जिसके माता पिता मौजूद हों, ठीक है, सनाथ। तो विलोम शब्द यानी के अनाथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सनाथ हो जाएगा दोस्तों, और सनाथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनाथ हो जाएगा। तो ये 11 का हमारा कंप्लीट हो गया, 11 का कंप्लीट हुआ। इसी के साथ में अब हम चलते हैं दोस्तों किसकी ओर? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जल्दी से एक बार वीडियो को सभी शेयर जरूर कर दें, ठीक है, अपने दोस्तों में सभी में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, चलिए
अल्पज्ञा, ठीक है, अल्पज्ञा का विलोम शब्द है, अल्पज्ञा का विलोम शब्द है, जल्दी से बताइए। अवज्ञा, सर्वज्ञा, अभज्ञा या कृतज्ञा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दीजिए। तो अल्पज्ञा, और अल्प माने, अल्प का मतलब होता है छोटा या कोई कम ज्ञान रखता हो, ठीक है, और जो संपूर्ण ज्ञान रखता हो उसे कहते हैं हम क्या, सर्वज्ञा, क्या कहते हैं, सर्वज्ञा। सभी को क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, सभी के समझ में आ गया, ठीक है। देखो अभिज्ञा अभी हम करके आए थे, इसका जो ऑप्शन नंबर सी अभिज्ञा, उसका अनभिज्ञा अभी हम पिछले उसमें करके आए थे, ठीक है, सभी के समझ में आ गया सर्वज्ञा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 12, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है सकारात्मक की, सकारात्मक का विलोम शब्द है, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर सकारात्मक का विलोम शब्द होगा, सकारात्मक, सकारात्मक किसे कहते हैं, सकारात्मक का मतलब होता है कोई भी चीज को स्वीकार कर लेना, ठीक है, या अपने अपने प्रति कोई भी पॉजिटिव सोच रखना, सकारात्मक कहलाता है, क्या कहलाता है, सकारात्मक कहलाता है, ठीक है। नकारात्मक किसी भी चीज को नकारना या अपनी सोच को एक निगेटिव सोच रखना, यही हमारा क्या कहलाता है, नकारात्मक। तो ऐसे कह सकते हैं कि जिसमें हाँ है वो सकारात्मक है और जिसमें ना है वो नकारात्मक है। तो सकारात्मक का विलोम शब्द होता है दोस्तों नकारात्मक, क्या होता है, नकारात्मक। क्लियर हो गया सभी को, नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक। कौन सा ऑप्शन होगा ये, ऑप्शन नंबर ए है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी कौन, हाँ सही है, 13 का कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सभी को, ठीक है, सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का ए क्या चीज, सकारात्मक का क्या हो जाएगा, नकारात्मक। चलिए इसी के साथ में दोस्तों हम करते हैं कौन सा, 14 क्वेश्चन का उत्तर दीजिए जल्दी से, 14 का है सम्मुख का विलोम शब्द क्या है। सम्मुख का मतलब क्या है दोस्तों, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने, जैसे सम्मुख यानी के मेरे सामने, ठीक है। अब यहां पर सम्मुख का उल्टा कर दीजिए यानी के पीछे, तो पीछे का होता है दोस्तों विमुख, क्या होता है, विमुख। तो इसका क्या हो जाएगा, सम्मुख का, सम्मुख का हो जाएगा दोस्तों विमुख। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा दोस्तों, विमुख, ठीक है। सम्मुख का उल्टा यानी कि सम्मुख का विलोम क्या होता है, विमुख होता है दोस्तों, क्या होता है, विमुख। सभी के समझ में आ गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर हमारा 15 देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 है अथ का विलोम शब्द क्या है, अथ का विलोम शब्द है। 15वां देखिए जल्दी से, अथ का विलोम शब्द है अथ, ठीक है। तो दोस्तों अथ का विलोम शब्द हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इति, ठीक है, इति, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इति हमारा 15वें का हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इति, अथ का विलोम शब्द क्या होगा, इति। चलिए कौन से वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, उर्वर का विलोम शब्द है, उर्वर का विलोम शब्द है, यानी कि 16वें का उत्तर दीजिए दोस्तों, उर्वर का विलोम शब्द है उर्वर। तो दोस्तों उर्वर का विलोम शब्द हो जाएगा ऊसर, क्या हो जाएगा, ऊसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऊसर, ठीक है, उर्वर का विलोम शब्द है ऊसर, क्या है, ऊसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है थोक का विलोम शब्द है, थोक का विलोम शब्द है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, थोक का विलोम शब्द है। आपने दोस्तों थोक विक्रेता पढ़ा होगा, फुटकर विक्रेता पढ़ा होगा, ठीक है, तो ऐसे ही ये थोक शब्द आया है। अब थोक शब्द का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों यहां पर थोक शब्द का विलोम शब्द होगा परचून, क्या हो जाएगा, परचून। आपने पढ़ा भी होगा परचून की दुकान, ठीक है, परचून की दुकान, जो थोक विक्रेता होता है वो किसको माल देता है, वो परचून वाले को देता है, ठीक है। तो ऐसे ही थोक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, थोक का विलोम शब्द हो जाएगा परचून, क्या हो जाएगा, परचून।
क्लियर है सभी को? ठीक है, एक बार वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? भूषण का विलोम शब्द क्या है? भूषण का विलोम शब्द क्या है? भूषण, ठीक है, भूषण का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों भूषण का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर सी, दूषण। क्या है? दूषण, ठीक है, क्लियर है सभी को? भूषण का विलोम शब्द क्या है? दूषण। क्या है? दूषण। 18वें का कौन सा हो गया? 18वें का हो गया ऑप्शन नंबर सी। सभी के समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 है, अवनी का विलोम शब्द क्या है? अवनी का विलोम शब्द क्या है? जल्दी से बताइए मुझे दोस्तों, अवनी का विलोम शब्द क्या है? अवनी का, ठीक है, देखिए अवनी को आप धरती भी कह सकते हैं, ठीक है, जमीन कह सकते हैं। अवनी का विलोम शब्द तो उसका हो जाएगा अवनी का अंबर, अवनी का हो जाएगा अंबर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अवनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? अंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा? अंबर। सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि ये हमारा 19वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब कौन सा होगा? अब होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। चलिए 20 का उत्तर दें दोस्तों सभी, क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर दें आप मुझे। क्वेश्चन नंबर 20, है का विलोम शब्द क्या है? है का विलोम शब्द क्या है? 20 का है का विलोम शब्द क्या है? जल्दी से, है का विलोम शब्द 20वें का उत्तर दें दोस्तों मुझे, ठीक है। है का विलोम शब्द क्या है? तो है का विलोम शब्द हो जाएगा ग्राहे, क्या हो जाएगा? ग्राहे, ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्राहे, ग्राहे, ठीक है, है का विलोम शब्द ग्राहे होता है दोस्तों। चलिए आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये शब्द विलोम शब्द हमारे या एंटोनियम्स जो हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की इनकी ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम के अंदर, यानी कि एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलने वाली है। विलोम शब्द हुए आपके, पर्यायवाची हुए, मुहावरे हुए आपके, कहावतें हुई या लोकोक्तियाँ हुई हमारी, या शुद्ध वर्तनी हुई, ये ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ प्रैक्टिस मांगती हैं, ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो आपको डिटेल में बताई जाए। इसमें सिर्फ क्या है, इसमें हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतने शब्द हमारे माइंड के अंदर रहेंगे, ठीक है। तो वही है, कोई सा भी शब्द आ सकता है, हमें सिर्फ इसकी मशक करनी है, हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? मृदुल का विलोम शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, मृदुल का विलोम शब्द क्या है? तो मृदुल का विलोम शब्द होता है रूक्ष, क्या होता है? रूक्ष होता है दोस्तों, क्या होता है? रूक्ष, ऑप्शन नंबर सी, क्या होता है? रूक्ष। सभी के समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए, अब होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, 21वां कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 में है कि ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? अब ऋणात्मक का क्या मतलब बताओ, क्या होता है दोस्तों? ऋणात्मक का मतलब होता है यानी कि निगेटिव। कैसे दोस्तों? निगेटिव, ऋणात्मक। अब पॉजिटिव होता है धनात्मक, क्या होता है? धनात्मक। तो ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या हो गया दोस्तों? ऋणात्मक का विलोम शब्द हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो ऋणात्मक का हो जाएगा धनात्मक, क्या हो जाएगा? धनात्मक। क्लियर है सभी को? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? धनात्मक, क्या हो जाएगा? धनात्मक, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए भाई इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 23 की ओर देखिए, 22वां कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 है, कलुष का विलोम शब्द है, काय का? कलुष का विलोम शब्द है कलुष, ठीक है। तो कलुष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पाप शून्य, निष्पाप, निष्कलुष या निष्करुण। जल्दी से 23वें का उत्तर दीजिए मुझे दोस्तों, 23वें का उत्तर कलुष का क्या हो जाएगा? तो दोस्तों कलुष का हो जाएगा निष्कलुष, क्या हो जाएगा? निष्कलुष। सभी के समझ में आ गया? क्या हो जाएगा दोस्तों? निष्कलुष, ठीक है, कलुष का निष्कलुष। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन है?
ऑप्शन नंबर सी। कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ? क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए भाई, इसी के साथ में हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 पर। 23 तक तो हमने कर लिए, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए अब चलते हैं 24 पर। चलिए भाई, चिरंतन, ठीक है, चिरंतन का विलोम शब्द है, चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा? 24 का उत्तर दीजिए आप मुझे, चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा? चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से बताइए, चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा? 24। तो दोस्तों चिरंतन का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नश्वर। क्या होता है? नश्वर। सभी के समझ में आ गया, ठीक है, क्या होता है? नश्वर। सभी के समझ में आया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। सन्यासी का विलोम शब्द है, जल्दी से बताइए दोस्तों, सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? सन्यासी कौन होता है दोस्तों? जिसने अपना घर बार सब छोड़ दिया हो और वो भगवान की आराधना में लग गया हो, ऐसे आदमी को हम क्या कहते हैं? सन्यासी कहते हैं। अब हमें सन्यासी का विलोम शब्द बताना है दोस्तों, और वो बताओ जल्दी से कि वो कौन सा होगा, 25 में का कौन सा होगा, जल्दी से 25 में का कौन सा होगा दोस्तों, जल्दी बताइए। तो देखिए 25 में का हो जाएगा गृहस्थ। क्या हो जाएगा? गृहस्थ। सभी के समझ में आ गया दोस्तों, गृहस्थ, ठीक है। अब गृहस्थ का मतलब, यानी कि जिसके पास अपनी घर गृहस्थी हो, ठीक है, जिसने अपने घर को ना छोड़ा हो, अपने पास उसकी बीवी हो, बच्चे हो, वही हमारा क्या होता है? गृहस्थ होता है। और मैंने क्या बताया? सन्यासी, कि जिसने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया हो वो सन्यासी कहलाता है। तो ऑप्शन सॉरी कौन सा हो गया भाई? 25वें का, ये 25वें का हो गया सी, 25वें का सी, ठीक है। अब हमने इसके अंदर, यानी कि आज की क्लास के अंदर कितने क्वेश्चन को कवर कर लिया? हमने 25 क्वेश्चन को इसमें कवर कर लिया। ये 25 ऐसे क्वेश्चन से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं, ठीक है। जितने भी एसएससी जीडी में जिसका सब्जेक्ट हिंदी है, ये वादा है, अगर आप इस चैनल से बने रहेंगे आप मेरे साथ, तो ये वादा है कि आप 25 में से 25 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखिए कि आप देखिए प्रैक्टिस करते रहें, दिल से कड़ी मेहनत करें आप लोग, ठीक है। अगर आप दिल से कड़ी मेहनत आप लोग करेंगे, ठीक है, तो आप हिंदी के अंदर 25 में से 25 क्वेश्चन जरूर लेकर के आएंगे, ठीक है। अब देखिए, 25